ये रिक्शा सेक्टर 5 जाएगा। कोई बात नहीं, सुनाई नहीं दे रहेगा, तुझसे बात कर रही हूँ मैं। अरे स्वरा, तुम दीपांशु, तुम यहाँ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे हालात ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालात ठीक नहीं दिख रहे, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। एक मिनट स्वरा, तू इस रिक्शे वाले को जानती है? वो क्या है ना पूजा, कॉलेज टाइम में ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। थैंक गॉड तूने कहा तेरा एक्स है। अगर तू ये बोलते ना तेरा बॉयफ्रेंड है, अभी कभी फ्रेंडशिप तोड़ देती, सोचती भी नहीं मैं। एक मिनट, ये क्या बोले जा रही हैं आप मेरे बारे में? तो मैं क्या बोलूं, तू रिक्शे वाला है ना, हैंडसम थोड़ी बोलूंगी मैं। और होगा भले हैंडसम है, पर गरीब रिक्शे वाला ही। वैसे दीपांशु एक बात बता, ये रिक्शा चला के तेरा घर तो चल जाता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? वैसे कुछ भी हो, तुझ पे सूट बहुत कर रहा है ये। स्वरा तुम क्या बोल रही हो, पक्का तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? अरे इसमें गलत फहमी वाली क्या बात है, हमें साफ दिखाई दे रहा है। और तुझे तब बुरा क्यों लग रहा है, सच बता, खर्चा चल पाता है कि नहीं? आप सुनिए, मेरे खर्चे की फिक्र आप नहीं करें ना तो बेहतर है। यार ऐसे कैसे फिक्र ना करूं मैं, तू मेरे फ्रेंड का एक्स है, फिक्र करना तो बनता है ना। हाँ स्वरा, वैसे पूजा आज ना मैं दिल से खुश हूँ कि मैंने इस गरीब को छोड़ दिया, अगर मैं इसके साथ होती तो पता नहीं किस हालातों में होती आज मैं। स्वरा तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोल रही कुछ भी ज्यादा। वैसे ये बता, सेक्टर 5 जाने के कितने पैसे लेगा तू? अरे मैं भला पैसे क्यों लूंगा, मैं तो मैं समझ गई, तुझे डबल पैसे चाहिए ना, ठीक है ले लेना अब चल। अरे वाह, अब तो तुझे डबल पैसे मिल रहे हैं, वो भी तेरी एक्स गर्लफ्रेंड से। और क्या पता रिक्शे में बैठे बैठे फिर से इसे तुझसे प्यार हो जाए। पूजा कैसी बातें कर रही है तू, प्यार वो भी इस गवार से कभी जिंदगी में नहीं, एक बार गलती हो गई है मुझसे दोबारा दोहराऊंगी नहीं। सरा बस करो, अब ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, और ये रिक्शा मेरा नहीं है, थोड़ा तमीज में बात करो तुम। स्वरा तेवर तो देख इसके, तेरा रिक्शा नहीं, इसका मतलब इसने ना पक्का किराए पे उठाया होगा। ठीक है आप मेरी बात सुनिए, ना तो ये रिक्शा मेरा है और ना ही मैंने ये किराए पे उठाया है, समझे आप? स्वरा फिर तो ना कंफर्म है, पक्का ये चोरी करके लाया होगा। हाँ यार इसकी ना आदत कभी सुधर ही नहीं सकती, कॉलेज टाइम में बिल्कुल ही ऐसा ही था, चोरी करता था। स्वरा वो सब मैं मजाक किया करता था यार। ओके मजाक था ना, ठीक है एक बात बता, तुझे अभी इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है एक्सेप्ट करने में कि तू रिक्शा चलाता है, इतना हिचकिचा क्यों रहा है? यार मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ कि ये रिक्शा मेरा नहीं है, और हाँ अगर मेरा होता भी ना तो मैं इसे एक्सेप्ट करता, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और जिन कामों को इंसान मेहनत करके करता है ना वो सारे ही काम बढ़िया होते हैं। खैर छोड़ो, तुम कहाँ समझोगी ये बातें? हाँ हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि हम लोग ना बहुत बड़ी MNC कंपनी में जॉब करते थे जो हमने छोड़ दी है, और तुझे पता है आज हम लोग TBF कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तुझे पता तो है ना कितनी बड़ी कंपनी है वो, अगर वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो गया ना तो हमारी तो मौज हो जाएगी, फिर तुझे डेली हमें रिक्शे में छोड़ के आना पड़ा करेगा। अच्छा जी, वैसे एक बात बताओ, इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया किसने? हमने खुद अप्लाई किया था और हमारा सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन सॉरी टू से, तुम इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। तू होता कौन है मैं मना करने वाला, हम इंटरव्यू दे करेंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है। मैं कौन होता हूँ, मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, और मैं अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपॉइंट नहीं कर सकता जिन्हें दूसरे लोगों से बात करने की तमीज ना हो। तुम्हारा ये एटीट्यूड ना बिल्कुल साफ दिखाता है कि तुम लोग अपने से कम कमाने वाले लोगों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, और तुम्हारा ये बिहेवियर मेरे बाकी के एम्प्लॉयज़ को दिक्कत देगा, इसलिए आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें अपॉइंट नहीं कर पाऊंगा। दीपांशु आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो सब मैं मजाक में ही बोल रही थी, आई एम सो सॉरी। क्या कहा, मजाक में बोला था? अरे तुमने बिना कुछ सोचे समझे मुझे इतना कुछ सुना दिया। दरअसल हुआ क्या था ना कि वो रिक्शा वाला अपनी रिक्शा में चाबी लगी छोड़ गया था, बस इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा था।
साहब। लो आ गया। अरे यार एक बात बताओ, इतने लापरवाह क्यों हो तुम? अपने रिक्शा की चाबी इसी में ही छोड़ गए, कोई चोरी कर लेता। सॉरी साहब, वो भूल गया था। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, इन मैम को ना इनके घर तक छोड़ देना, और हाँ इनसे पैसे मत लेना, मैं पे कर दूंगा। ठीक है साहब, आइए मैम।